मिर्चिया कूटेंगी अभी से, देखो अम्मी सलाह बना रही है। एक इससे कद्दू काचते हैं क्या? ये ब्रांडेड मशीन है। चलो रख, इतना जल्दी मुक गए पैसे तो ढेर सारे की दान है, बड़े प्यारे, चेक करो। दादी कल जिस बंदे को दवाई लेने गई, और इधर जो है भाभी और अम्मी जो है ना मिलके बना रही हैं रोटी। ये किधर से चुड़ैल मंगवा लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भैया, कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं, आपकी दुआओं से, अल्लाह पाक के फजल करम से अल्लाह पाक आपको भी खुश रखे, सलामत रखे, हमेशा मुस्कुराते रहें फूलों की तरह। मेरी ये दुआ है जो मेरे बहन भाई, जो मेरे रिश्तेदार, जो मेरे देखने वाले हैं, अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, और मेरी बहन की तरह सब के जो है ना नसीब अच्छे करे, और उनके लिए अच्छे और नेक साले रिश्ते अता फरमाए। जो मेरे देखने वाले बहन भाई हैं जिनके मतलब रिश्ते नहीं हुए, उनके लिए। तो आज की मज़ेदार सी वीडियो शुरू करते हैं। आज आपको इस वीडियो में इंशाल्लाह जो सिस्टर के लिए कपड़े लेके आए थे और जो बर्तन लेके आए थे उनमें से कुछ चीज़ें दिखाएंगे आपको, वो सारी शॉपिंग दिखाएंगे, तो आपने साथ रहना है। जो हमारे चैनल पर न्यू है तो जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जिन्होंने मेरी कल वाली वीडियो पे परसों वाली इतना प्यार दिया है, मैं उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे पास वो अल्फाज नहीं है कि मैं किस तरह आपका शुक्रिया अदा करूँ। मैं फिर से यही कहूँगा कि आपका सबका, सब देखने वालों का दिल से शुक्रिया। सबसे पहले तो बलूरी से मिला करो। कपड़ा पकड़ लिया, कितना सोनी सोनी मरियम बनी थी, आज कैसी बनी है ये देखे, बाल ऐसे सुबह सुबह, पता नहीं मैंने कहा ये किधर से चुड़ैल मंगवा लिया है। दादी जी आई बैठी है, सुनाओ दादी क्या हाल है? क्या हाल है? कल तबीयत खराब हो गई थी, आज ठीक है? तबीयत दादी खराब है, मर गई दादी। कल जिस बंदे को दवाई लेने गई, लेके उसकी तबीयत खुद, दादी दवाई लेने गई थी, वो जो बंदा लेके गया वो खुद उधर बेहोश हो गया। बड़ी मुश्किल से घर पहुंचा है, ये हालत हो गई। अल्लाह खैर करे, अब आप सुनाए ठीक है? तबीयत खराब थी, चलो टीके लवा के ना इतली तंगी ना हो, कहना अच्छा मारे अबू जो है ना कल वो लेट हो गए थे आप बकरियों के साथ मेहंदी फंक्शन में, आप वीडियो में आए भी नहीं, ना सुबह ना शाम को। ये जो थी ना, ये फंक्शन होता है औरतों का, हमारा इधर या नहीं होता। हमारा फंक्शन होगा शादी पे, हमारा जो है ना वो शादी पे होगा, क्योंकि हम शादी पे मौजूद होंगे इंशाल्लाह। हाँ इंशाल्लाह। ये जो है ना हमारे जो है भेड़े बकरे, वो जो है ना कभी छुट्टी नहीं करती ना, खाने पीने का, ईद हो चाहे जो मर्जी हो, वो छुट्टी नहीं, जो मर्जी हो हमारे को तो चराओ। हाँ ठीक है। और इधर जो है भाभी और अम्मी जो है ना मिलके बना रही हैं रोटी। ये देखें खाना तैयार हो रहा है, किसी को खाना है तो आ जाए, घी वाली रोटियां पक रही हैं। करीम बीबी भी आ गई है, चावल खा लिए? अवेश ने चावल खा लिए? अच्छा, कल फूफो की मेहंदी देखी थी, कैसा लगा था? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, माशाल्लाह। और अम्मी को कैसा लगा था? अच्छा लगा था। अच्छा लगा था, हाँ जी। चलो सही है, पहुंच गया हूँ किचन में। सिद्रा बैठी है इधर, हाथ पे हाथ धरे, पता नहीं क्या सोच रही है। मैंने आपके लिए चावल रखे हुए हैं। आपने अपना हिस्सा खा लिया? हाँ। चलो शुक्र है, फिर आप अब्बू के लिए अंडा बनाओ, मैं खा लेता हूँ। शेबू क्या खा रहा है? शेबू क्या खा रहे हो? क्या खा रहे हो? चावल नहीं खा रहे हो? चावल खाना पे छोले वाले ये क्या कर रहे हो? छोले खा रहे हैं। और चक पा रही तेरे चक पाते केक पाते वेंदी पे पकड़ा वाला आड़े ओ वेंदी पे भज 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 ओ गई
अल्हम्दुलिल्लाह जी, नाश्ता वगैरह करने के बाद, सारे काम ओके करने के बाद क्या होगा? था दिखाएंगे। हैं? था। क्या दिखाएंगे? था। हैं? था। था? फांडे। था के फांडे। हैं? के फांडे। था के फांडे। अच्छा वो शेबू किधर गया? है? शेबू कहाँ गया? शेबू कहाँ गया? अच्छा नहीं बता। चाची उन्होंने देखा। चलो सही है। तो फाइनली जी, बिना टाइम वेस्ट किए आपको जो बर्तन वाली शॉपिंग करके आए थे सिस्टर की, मारिया सिस्टर की, वो दिखाते हैं आपको। तो दिखाएं क्या? हाँ, क्या दिखाएं। अच्छा वो आ गया शेबू, और पीछे वो आ रही है अक्सू बीबी। हाँ, क्या वो है? ओ जी सरदार, क्या हाल है? आ गया। मैंने कहा क्या हाल है? ठीक। कहाँ गए थे? उड़ा। किसके घर? चाची वाले के घर। हैं? चाची वाले के घर। बाकी चाची वाले के घर। वाह, चले जी। वो जो डब्बे शब्बे सारे इधर रखो, फिर दिखाएं बहन भाइयों को शॉपिंग। सारे आपके था तोड़ने वाले थे, दांत दिखा रही हो? नहीं है, टूटने वाले नहीं है, हम तो हंस रहे हैं बस। ऐसे खड़ खड़ हुआ डब्बा, मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया, टूटने वाला है, पता नहीं क्या लाइन खाए करे। क्यों, मैं आपको जोक सुना रहा था? आपने इतनी बड़ी आवाज लगाई। हाँ, मेरे पैसे नहीं लगे हुए। माशाल्लाह जी, ये देखें, ये सब जो आप देख रहे हैं, इन सब में जो है ना बर्तन है, आपको खोल के एक एक चीज वाजे करके दिखाएंगे भी, बताएंगे भी क्या क्या चीज है और किस चीज कैसे इस्तेमाल के लिए है। हाँ जी, मैं बताता हूँ ना कौन सा खोलना है। ठीक है मैम, छुरी ले आओ, छुरी छुरी ले आओ। ये काटोगे नहीं या ऐसे खोलो, खुल जाएंगी? लगता नहीं है खुल जाए। वो कैंचा ले आओ, कैंचा आपका है नहीं, वो कपड़ों वाला कैंचा, वो ले आओ। किधर? उधर शर्फ में। हाँ मैंने खुद बंद किया है, शोर कर रही थी, मैंने कहा फिर वीडियो बना ले फिर चलाएंगे मशीन। हाँ वाह जी वाह, पहले ये वाला खोलो, इसको, इसमें कीमती चीजें हैं, इसको इधर रखो, हाय हाय इधर। हाँ फिर अब ये वाला खोलो, उई बदनी है बाबा। चलो जी, नहीं दोनों आज दिखाने हैं कपड़े। अवेश जाओ, वो छोटी खटड़ी रखी है ना, वो ले आओ। हाँ इसको खोलो, इसको खोलो। हाँ कर चू खोल जा, सिम सिम वो खोल गई, इधर वाली रह गई है, वो भी खोल गई है। बस कैंची लुका दो, ऐसा ना फिर मेरी वीडियो ही लुक जाए। इधर रख दो। चलो ये आ गए जी खटली, इधर बैठते हैं सुकून से, अब बैठ के दिखाएंगे आपको शॉपिंग। उधर तो ऐसे घुमा फिरा के बस दिखाई थी, आप दिखाएंगे एक एक चीज निकाल के। चलो शाबाश, जल्दी जल्दी दिखाते जाओ। ये सबसे पहले थाल आटे वाला। हाँ जी मारिया सिस्टर, आटे वाला थाल चेक करो, सही है? आटे वाला थाल तो मिले, ये आटा गूंदने से मुझे बहुत डर लगता है। तो आप क्या उधर आटा नहीं गूंदोगी? नहीं ऐसे सूखा तवे पे डाल के। और फिर हो गई ये बाल्टी। किस लिए? उधर तो गमी मंजी तो है नहीं, आप कौन सा दूध निकालोगी? लाजमी नहीं है दूध के लिए, ये पानी के लिए भी होती है। हाँ ये स्टील की बाल्टी जी, माशाल्लाह क्या बात है। बाल्टी के बाद अब नेक्स्ट क्या आ रहा है? घी वाला डब्बा। अच्छा ये घी वाला डब्बा है, बस रख दो रख दो। घी बहुत महंगा हो रहा है, मिलेगा पता नहीं, नहीं मिलेगा, इसीलिए छोटा डब्बा ले आए हैं।
इसका ढक्कन नहीं था? होगा, इसके अंदर देखो होगा। ये देखो, ये वाला जो डोलू है ना, ये बड़ा जबरदस्त बाल्टी है। इसमें दूध वगैरह ले या कुछ आप चीजें ले तो बड़ी आसानी से इसमें आ जाती है, डूलने का खतरा नहीं। असली डोल। ये क्या होता है? ये असली डोल। ये असली डोल है, बाकी सब नकली है। जो खीर लेने नहीं आते मोटरसाइकिल वाले, तो ऐसा डोल होता है खीर भरने के लिए। अच्छा, ये वो वाली बाल्टी है ना, ये किलो का है। इसके बच्चे नहीं है छोटे? नहीं नहीं, छोटे बच्चे नहीं है, बस ये अकेला है। चलो नेक्स्ट। ये चाय वाली छानी। हाँ, ये जो बर्तन हमने लिए है ना, ये इस्तेमाल वाले बर्तन है। ये हो गया टिफिन, इसके साथ दो चम्मच भी है। हाँ, इसके ये इसको जो है ना, हाँ, नंबरदार को इसमें रोटी दे के आना दुकान पर। दुकान ही नहीं है ये, इसकी प्लेटें भी होती हैं। हाँ, इसकी थालियां भी हैं। हमारे वाले दूसरे हैं, आपके वाले के थालियां भी लेके आए हैं। चेक करो, चीज ओरिजिनल ली है हमने। बस आपकी बहन भी ओरिजिनल है। मुझे पता है। अब ये देखो, चलो ठीक है, आगे चलो। वो जब आएगा तो फिर मैं आपको बताऊंगा। ये हो गई, इसमें क्या करते हैं? हमारे लिए मिर्चें कूटेंगी। अभी से देखो, अम्मी सलाह बना रही है, काम चेक करो। नहीं नहीं, आपके लिए नहीं, वो आप कहते हैं ना चावलों के साथ हमें चटनी चाहिए उसके लिए। अच्छा अच्छा, ये पानी वाले मग है, दो मग। हाँ। चलो सही है। ये हो गए, ओ खैर, चम्मच। ये चम्मच और ये पावला। ये पावला। हाँ। चलो सही है, ठीक है। और ये हो गई छुरियां, एक छीलने हाँ। वाली, एक काटने वाली। रख दो वो कद्दू काटते हैं क्या? नहीं, इससे गाजर काटते हैं गजरेला बनाने के लिए। अच्छा, नाम इसका कद्दू काच है। मैंने कहा कद्दू को इससे कचते हैं, नाप करते हैं। इधर वैसे ये लगी हुई है जो मतलब सब्जी वगैरह। हाँ, वो गोल गोल आलू भी काट सकती हो चिप्स के लिए। इसमें क्या है? इसमें है ये फलाना। ओ खैर, ये वाली मशीन भी लेके दी आपको। मैंने पहले बोली थी मुझे ये वाली मशीन, पर पहले चाहिए। ये ब्रांडेड मशीन है, चलो रख दो। ब्रांडेड ब्रांडेड, हाँ, सब ब्रांडेड कंपनी वाली है। कैसे अम्मी? हाँ जी, ये हो गया डब्बा खाली। खाली ठीक है। हाँ। इतना जल्दी मुक गए? पैसे तो ढेर सारे गिदाने। अच्छा, अब नेक्स्ट डब्बा जो खोलने वाले हैं ना, जो आपने डब्बे कहे थे वो और थे, जो मैं लेके आया हूँ वो देखो कैसे हैं। वो हमारी पसंद के, हमने लिए वो। हाँ। वैसे हमें मिले भी नहीं, और जो है ना ये वाले मिले हैं। ये मैंने अपनी पसंद के लिए है ना। चलो अब देखना, चेक करना, तो कैसे लगेंगे आपने चेक करने हैं। ये कट गई। सबसे पहले ये खोलोगी। हाँ। इसको खोल के ना इधर इसके ऊपर लैंड लगाओ, एक एक को ऊपर ढक्कन लगा के ना लैंड लगाओ। ये देखो डब्बे चेक करो, ये हो गए सारे, खोलते उतर रखते जाओ। हाँ, एक और ये हो गया। ये इन डब्बों का लेवल है, दो प्यारे बहुत है, बड़े मजेदार हैं। मैंने कहा जब हमारे पास पैसे आएंगे ना, फिर हम ऐसे ले आएंगे। ये महंगे बड़े देते हैं, लेकिन हैं बड़े प्यारे। चेक करो, ये चेक करो, ये बहुत प्यारी है। हाँ, ये भी रख दो ऊपर। हाँ, ये देखो, ये सारे स्टील के हैं डब्बे, सिर्फ ऊपर जो ढक्कन है ना वो प्लास्टिक के हैं। ये देखें जी, माशाल्लाह डब्बे, ये मैंने अपनी पसंद से जो है ना सिस्टर को लेके दिया। आप बताओ कैसे लगे? क्यूट क्यूट हैं, क्यूट क्यूट, छोटे छोटे। बैठे हैं तो बहुत सोने लगेंगे। हाँ, चेक करो, ये इसके मैं बात कर रहा था। आप देखो, ये ऊपर वाला बच्चा है, ये छोटा छोटा लास्ट है।
हाँ, जितनी ज्यादा चीज हो जितनी कम हो मतलब ये सब इस्तेमाल कर सकते हैं सब चीजों के लिए। ये हो गया। अब ये क्या है? चम्मच सेट। चम्मच वाला सेट। ये चम्मच वाला भी सेट लिया है आपके, इसमें कांटे भी हैं, कांटे कांटे वाले नहीं होते चम्मच। हाँ ये सारे इधर इसको लटका के दिखाओ। ओ दूसरी साइड पे लटकाओ। ये छापर लगे हुए हैं। ओ उस साइड पे मैंने बोला था। चलो आप मैं सारे लटका के दिखाती हूँ। अल्लाह ही खैर करे आज लटक जावे चिमचे शिमचे। ये कांटे हैं वो मछली खाने वाले। कांटों से मछली थोड़ी खाते हैं वो, खाते हैं? वो खाते हैं फ्रूट खाते हैं। कैसे लग रहे हैं? बहुत अच्छा है। शाहजेब थोड़ा पीछे हो जाओ। ये ऐसे हाँ आप देखो कितने प्यारे प्यारे लग रहे हो। ये छुरियां भी हैं साथ। हाँ इसके साथ छुरियां भी हैं। वो तो छुरियां भी ना वो लगाना वो लगाते हैं वो काटने वाली भी हैं लगाने वाली भी हैं। इधर से एक ना ये टूटा हुआ है क्या? नहीं टेढ़ा हुआ है। अच्छा टेढ़ा हुआ है वो सीधा हो जाएगा। हाँ मुकम्मल सारे लगा दी। या क्या बात है बाबा। ये बड़े वाले चिमचे भी हैं जिसमें खाना डालते हैं। ये चेक करो। हाँ जब ये अंडे ग्रेड करते हैं वो छोटे छोटे होते हैं ऐसे। हाँ देखो सारे चिमचे पूरा सेट है सही है ना? चलो सही है आगे दिखाओ। हाँ रख दो रख दो रख दो पीछे हो जाओ। ये क्या आ गए हैं? ये बहुत प्यारी चीजें हैं। ये प्यारी चीजें हैं। अच्छा ये उससे भी प्यारी चीजें हैं। उससे भी प्यारी। खोल जा सिम सिम। ओ उल्टा तो नहीं खोल दिया शायद। अब निकलेगा तो फिर ही है ना। हम भी जुगाड़ी ऐसे करो ऐसे करो। हाँ सारे खिलार के रख दिए हैं आपने वो देखो। ये है मिर्चे और नमक वाले डब्बे इधर दिखाओ। जैसे वो मामू असलम के घर नहीं है वैसे वाले हैं ये मिर्चे और नमक वाले डब्बे सही है। हाँ वो स्टिकर लगे हुए हैं मिर्चियों वाले। चलो ये कंप्लीट हो गया। चलो आप और दिखाओ। इसमें क्या होगा? इसमें बहुत बड़े बर्तन हैं। बहुत बड़े बड़े बर्तन हैं। ये क्या है? पूरा बॉक्स ही आपने निकाल दिया बाहर। खैर ये तवा और फरेबान चेक करो। वाह जी वाह सिद्रा के फरेबान से बड़ा है आपका फरेबान। ढक्कन भी है। चलो आपने सारा सामान आगे रख दिया है इसलिए जगह नहीं बन रही। डब्बे को थोड़ा पीछे कर दो। हाँ इसमें क्या निकल रहा है? वो तोड़ दिया लगता है। जब तक ये सामान दिखाते रहेंगे आधा टूट जाएगा। ये देखें ये क्या है? लकड़ियां रख दी है बीच में आग जलाने के लिए। नहीं हाँ ये चम्मच है कढ़ाई में लगा। अच्छा ये आग ना है डोयन डोयन। ये ढक्कन है इसका। ये देखते हैं ऐसे वाले कढ़ाई। ये देखें जी ये जो बर्तन है। हाँ भाई छोटी कढ़ाई। इसके ये चमचे हैं इन चमचों से पकाना है आपने सही है। हाँ ये दूसरे नहीं मिलेंगे। क्यों आग लगा दोगे क्या? नहीं नहीं ये अच्छे वाले हैं दूई बने हुए। अच्छा ये छोटी सी एक कढ़ाई है जी इसके ऊपर ढक्कन भी है। ये फ्राई पैन का ढक्कन
ये फ्राई पैन का नहीं आ जाएगा शायद, ऊपर करके इसको दे के दिखाओ। नहीं। ये फ्राई पैन और चीज का है, उसका बड़ा था, देखते हैं। इतना सा मैंने कहा फ्राई पैन बड़ा है, ये ढक्कन छोटा है, ये क्या सीन है? ये है इसका ढक्कन है। अच्छा इसका ढक्कन है ऐसे। ओ खैर पतीले, वाह चाय वाला वो गाने वाला पतीला और उसके ऊपर ढक्कन भी है। देखो मजे की बात पता है इनमें क्या है, इनके जो ये ऊपर कड़े लगे हुए हैं ना, ये वाले हाँ, गरम नहीं हो। ये गरम मजबूत है, ये टूटेंगे नहीं। गरम का मतलब होता है वो दूसरे प्लास्टिक के होते हैं ना, टूट जाते हैं, ये कभी टूटेंगे भी नहीं। ये पकड़ने की जगह अच्छी बन जाती है। हाँ बंदा कपड़े से आराम से पकड़ सकता है। नीचे से पकड़ो तो वो गैस की जो वो सेक होता है ना, भाप निकलती है, उससे हाथ जल जाता है। अच्छा अब ये देखें। ये क्या है पतीला, ये कद्दूकस वाला पतीला। इसमें भी कद्दूकस करेंगे? नहीं। आपने क्या कहा, लिखा हुआ है? मैं देख रही हूं कैसे लिखा हुआ है। अच्छा और ये है, ये क्या है? अब ये भी पतीला है, साला ये उससे बड़ा पतीला है। सही है, आप चाहो तो कढ़ाई में सारे पका सक लो और ये पतीलों में भी पका लो। ये इसका ढक्कन। अच्छा और ये इनके सब ढक्कनों पे ऐसे कड़े मजबूत एक इधर दिखाना, मैं चेक करवाता हूँ। ढक्कन पूरा पतीला दिखाओ इधर पूरा। हाँ ये मुकम्मल मैं चेक करवाता हूँ जी आपको। ये देखें ये जो ढक्कन के ऊपर लगे हुए है ना, ये बड़े मजबूत कड़े लगाए हैं उन्होंने बासानी, मतलब ये इतना जल्दी टूटने वाले नहीं है। और इसके सेटों पे ये देखें दो दो एक एक कड़े को दो दो नट लगाए हुए हैं उन्होंने, ये भी बड़े मजबूत हैं ये देखें, और बड़े बड़े लगाए हैं, ये नहीं के छोटे छोटे, बड़े बड़े हैं। निकल जा सिम सिम, आप चेक करो ये देखें अंदर से किस तरह चमक रहे हैं, ये देखें क्या बात है, बड़े मजबूत कड़े लगाए हैं। मतलब ये नहीं है कि आप पतीले को पकड़ो बाद जैसे वो होते हैं दूसरे हमने लिए हुए हैं उनके साथ कड़े नहीं है ना, तो दूसरे ऐसे चिप्पे लगी हुई हैं। हाँ, थोड़े से ऐसे बने हुए हैं ये मजबूत कड़े लगाए हुए हैं, आप इधर से बासानी हाथ पूरा आ जाता है, ये देखें आसानी से उठा सकते हैं। ऐसे बाज चीजें होती है ना गर्म होने की वजह से, वो इधर से जैसे पतीले को हाथ लगाते हैं और जगह थोड़ी होती है पकड़ने के लिए, फिर हाथ स्लिप होता है तो वो चीज़ें गिर जाती हैं, नुकसान हो जाता है, हाथ वगैरह जल जाते हैं, तो उसके लिए ये सबसे बेस्ट हैं, बड़े ही ज़बरदस्त और आला क्वालिटी का। ये पूरा मैंने सेट लिया हुआ है, ये चेक करें माशाल्लाह किस तरह है, कैसे लग रहे हैं? बहुत अच्छे सारे, एक साथ बोलो माशाल्लाह। मैं बोलूंगा फिर आप बोलना है आमीन, ठीक है? अल्लाह पाक सब सिस्टर के सब बहनों के नसीब अच्छे करे, बोलो आमीन। जोर से कट्ठे बोलो आमीन। हाँ जी चलें जी, बहुत ज्यादा हमें भी खुशी हुई है। ये सब का बात तो इधर है, ये सारे नाबा चावल वाला पतीला यही है। अच्छा चावल वाला ये है। हाँ जी माशाल्लाह फैमिली तो बड़ी हो जाएगी, ये तो बहुत छोटा सा है। आपकी फैमिली में आप तकरीबन 1.5 किलो चावल बना सकते हैं। 2 किलो 2 किलो पक जाएंगे आराम से। बिल्कुल ये इसमें 2 किलो आसानी से चावल खाना ऐसे खाए, ये उठा के देना। कौन सा ये? ये वाला। ये लो ये मुकम्मल इसको सेट बना के इधर रखो, दिखाता हूँ फिर। नहीं करो ऐसे, बस ये 3 है या इसके ऊपर और भी है पतीली शतीली कढ़ाई? नहीं फिर ये रख दो पतीलों का यही रख दो। हाँ ये देखें ये सेट बन गया माशाल्लाह, क्या बात है। अब बताओ कैसे लगे? ये भी है, ये
जोर से बोलो, बहुत अच्छे। अच्छा बहुत अच्छे, हाँ ये देखे सही है। हाँ ये आप देख सकते हैं जी, ये पूरा मुकम्मल सेट था, इसमें 15 पीस थे, जिसमें फ्राई बान, तवा, 3 पतीलियां और एक वो चाय वाला पतीला, एक कढ़ाई और ये चमचे, मतलब ये मुकम्मल एक सेट बना हुआ था। हाँ। सही, चलो माशाल्लाह उतार दो इसको नीचे, बस यही सामान था। तो माशाल्लाह जी, जो इस्तेमाल के लिए सिस्टर के लिए बर्तन लिए थे, ये अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल आपको एक एक तफसील के साथ, डिटेल के साथ हमने बता दिया है, दिखा दिए हैं, और हमें तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई, बहुत ज़्यादा अच्छे लगे हैं। वो ये रह रहे थे, हाँ ये देखो टोकरी, टोकरी भी है। ये सारे बर्तन जब आप सुबह धोओगी ना, धो के फिर इसमें रखना, ठीक है। हाँ। सही है, मैं देखूंगा रखे हैं कि नहीं रखे। हाँ, ये भी है, वो कपड़े धोने के लिए। हाँ, ये बहुत बढ़िया है। हाँ, टेंशन नहीं लेनी, आसानी से धुल जाएंगे। हाँ, बैठ जाओ, इसमें खुद भी बैठ के फिर खुद को भी धो लेना। हाँ। फिर भी आप आसानी से बैठ जाओगी, बड़ी है ना। जैसे गर्मियों में छोटे बच्चों को पानी डाल के ना बिठा देते, वैसे चलें जी। ओके हो गया। हाँ। माशाल्लाह जी, ये था हमारा आज का सामान जो हमने सिस्टर के लिए लिया था, और इन में से जो हमारे साथ तावन किया था वो है हमारी यूएसए से हमारी एक खाला हैं, और यूएसए से एक हमारी एक सिस्टर हैं, उन्होंने भी तावन किया था, और एक और खाला है, उन्होंने भी मतलब हमारे साथ जो है ना, ये सामान जो हम ले रहे हैं अभी लिया है, ये मतलब 3 बंदे थे जिन्होंने हमारे साथ ये तावन किया था मिल के। तो जिस तरह भी ये जैसा सामान, उन्होंने ये नहीं बताया था कि इन पैसों से आपने क्या लेना है, मतलब ये नहीं कहा था कि ये सामान लेना है, उन्होंने कहा था ये आपने अपने सिस्टर के जहेज में जो सामान इनसे आ सके मिला के वो आप ले लेना है। तो जितनी हमारी चीज़ें कम पड़ रही थी हमने ले ली हैं, और कपड़ों की शॉपिंग जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपको दिखाएंगे। फिलहाल जो है ये बर्तनों वाली दिखाई है, सबने बताना है कैसी लगी, और मज़े की बात तो ये है कि जितनी हमारे पास मतलब पैसे थे वो सब ले लिए हैं, सारा सामान ले लिया है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह लग गए हैं। उन्होंने कहा था कि पहले अपनी सिस्टर के लिए सामान लेना है सारा, उसके बाद जो है बच्चे तो फिर इस्तेमाल करने हैं। तो अभी मुझे टेंशन हो रही है, हमें परेशानी हो रही है मेरे बच्चों के और मेरे छोटे बहन भाइयों के कपड़ों और जूतों के लिए पैसे नहीं बचे हैं, वो थोड़ी टेंशन बनी हुई है। अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। हाँ वही जो पहले लिए थे वही पहनाए हैं। तो चलो अल्लाह पाक बेहतर करेगा इंशाल्लाह। तो मिलेंगे नेक्स्ट एक अच्छी वीडियो में, सबने बताना है कैसे लगे, तब तक के लिए हमें इजाजत दें। अल्लाह हाँ जी, पाकिस्तान जिंदाबाद।